दोस्तों काफी दिनों के बाद में आज आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ गन्स का कलेक्शन। बहुत ही मतलब सस्ती गन्स है, काफी अमेजिंग MP5 होगी, उसके नीचे ये स्ट्राइक ग्रीन कलर की और ये ब्लैक कलर के बॉक्स में बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी गन्स है दोस्तों। ऊपर कुछ म्यूजिकल टाइप वाली आप गन कह सकते हो और सबसे ऊपर मुझे पबजी की एक गन दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल बहुत सारी गन्स यहाँ पे हैं, जल्दी से करते हैं एक एक करके इनकी अनबॉक्सिंग और करते हैं आज कुछ फन। पदीस तो दोस्तों सबसे पहली जो गन मेरे पास यहाँ पे है पबजी की, और ये बहुत फेमस है यार, मुझे मतलब पर्सनली भी काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि बहुत सस्ती भी है और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी हमको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले देखिए आगे की तरफ आपको साइलेंसर दिखाई दे रहा होगा भैया, पीछे की तरफ हम देखते हैं तो ये इसका ट्रिगर है और ये है इसका स्कोप। जरा से फिट करने की कोशिश करते हैं, पीछे आगे आगे पीछे कैसे होगा भाई ये फिट। ओके ये अब फिट हो चुका है दोस्तों, तो अब काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही होगी आपको। वैसे मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही लग रही है और आगे साइलेंसर ये डिटैच भी हो जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। जरा इसे घुमा के ओके इस तरफ कुछ इस तरह से आप घुमाएंगे तो ये अलग हो जाएगा और ऐसे भी आप इसके साथ में प्ले कर सकते हो और सिंपली इसे दूसरी तरफ घुमा के आप इसे वापस अटैच कर सकते हो। तो ओवरऑल ये गन काफ़ी सही लगी, तो जल्दी से अब इसमें कुछ गोली वोली डालते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से वर्क करती है। तो इसके अंदर इसकी गोलियाँ हैं, ये ऑर्बीज हैं और ये छोटी छोटी है यार, मतलब बड़ी वाली नहीं है और ये ऑलरेडी फुली हुई है क्योंकि ओके हाँ ये फुली हुई है भाई, ये चिपक रही है हाथ में। तो जल्दी से इसे हम इसमें फिल करते हैं और देखते हैं कितनी तेज़ी से ये चलती है। वैसे ये बहुत तेज आगे को निकलते, एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ ज़रा सा। वेट 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 वेट, ओ दोस्तों तेज तो चल रही है, चोट वोट तो इतनी नहीं लग रही है। तो अभी आप देखना ध्यान से कितनी तेजी से निकलती है, शायद किसी को दिखाई ना दे बट फिर भी ध्यान लगाना। ये देखिए यहाँ पे जाके ये गोली निकली है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली गन की तरफ। दोस्तों दूसरी जो गन है या कह लीजिए ये पिस्टल है और ये आती है इस छोटे से प्यारे से केस के अंदर जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया। अरे वाह ये यार फर्स्ट लुक में बहुत अमेजिंग लग रही है और इसे हाथ में पकड़ो ना तो बहुत ही बढ़िया फील आ रहा है दोस्तों। ऐसा लग रहा है जैसे रियल पिस्टल होती है ना, छोटी सी प्यारी सी, यार वाह मज़ा आ गया यार। इसके साथ में काफ़ी भारी भी है दोस्तों, यह क्वालिटी तो आपको दिख ही रहा होगा कि कितनी कमाल की है। गोली कहाँ से डलती है भाई, इसमें समझ नहीं आ रहा है इसमें यार क्या कहाँ से डलेगी गोली। किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रा लिखिए, मैं तो ढूंढ ही लूँगा बट गोली कहाँ से डलेगी इसमें। चलिए थोड़ा सा ओके ये तो लोड और रीलोड करने के लिए है, जब हम गोली वगैरह यहाँ भी नहीं है कोई स्लॉट, शायद आगे से डालनी पड़ेगी। तो आगे से मैं पुश करके गोली को लगा देता हूँ, अगर किसी को पता है कि यहाँ नहीं लगती तो वो कमेंट में लिख भी सकता है बट मुझे लगता है कि शायद आगे से ही लगेगी। तो कुछ इस तरह से आपको गोली लगा देनी है और पिस्टल को लोड कर देना है पीछे की तरफ खींच के। तो ये लोड हो चुकी है और एक बार मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ भैया मतलब कितनी स्पीड है इसकी। ओ माय गॉड दोस्तों बहुत तेज हाथ में लगी है मेरे इस बार, तो भैया इससे चोट लग रही है, ये मतलब ऐसा नहीं कि धीरे से जाएगी, बहुत तेज जा रही है। तो कुछ इसी तरह से आपको दोस्तों गोलियां आगे की तरफ से फिल करनी है और इस गन का मजा लेना है, ओवरऑल मजा है इस गन के साथ में भी। चलिए बढ़ते हैं अगली गन की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारी तीसरी गन, लेजर साउंड गन। 220 रुपए मात्र इसका प्राइस है, बहुत ही सस्ती गन है और 3+ ages के लिए है। तो इसके पीछे की तरफ कुछ डिटेल्स और देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई है, जैसे बैटरी ऑपरेटेड 3 सेल इसमें लगने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल लग रहे हैं भाई। साउंड इफेक्ट फ्लैशिंग टॉप लाइट, तो लाइट साउंड सब कुछ है। तो जल्दी से इस गन को बाहर निकालते हैं। ओह दिखने में तो यार बहुत ही कमाल की लग रही है, 200 रुपये के हिसाब से वाह। फिलहाल जल्दी से इसमें बैटरीज डालते हैं और चेक करते हैं इसके परफॉर्मेंस को। तो दोस्तों आपने देखा कि यार यहाँ पे म्यूजिक लाइट्स प्लस लेजर की भी मुझे बीम दिखाई दे रही है, तो काफी कमाल की थी अगली गन प्राइस के हिसाब से। तो हम बढ़ते हैं अब अगली गन की तरफ।
तो दोस्तों अगली गन जो है वो है MP5 बैटरी ऑपरेटेड गन। पहले भी आपने देखा होगा मैंने पबजी गन के साथ में इसकी अनबॉक्सिंग की थी, बट जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो यहाँ पे इसे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इसे बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं गन कैसी है। तो ये निकल के आ चुकी है दो पार्ट में दोस्तों, बट वाला पार्ट अलग है और आगे की गन जो हमारी अलग है, आप इसे कह सकते हो इसे स्टेन गन कहते थे हम तो बचपन में, वैसी कुछ लग रही है। और आगे दोस्तों इसमें स्मोक इफेक्ट भी है, उसे देखना बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग होगा कि स्मोक इफेक्ट कैसे यहाँ पर निकलता है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी सही लग रही है मुझे, मटीरियल वाइज ये गन जो है काफ़ी ठीक ठाक है। और इससे हम अटैच कर लेंगे स्कोप को, तो सिंपली आपको स्लाइड कर लेना है भैया। लाइट वाइट जलेगी क्या कुछ, शायद से इसमें लाइट जलेगी। ओके यहाँ से आप इसे पीछे को खींचोगे तो अंदर जो है बैटरी लगी हुई है। अब लाइट जो है आप देख सकते हो ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे निकल रही है, तो वाओ हमें लाइट भी यहाँ पे मिल रही है स्कोप के अंदर। तो फिलहाल पीछे हमने इस बट को लगा दिया है, अब यहाँ पे ड्रॉप डालेंगे स्मोक अफेक्ट जिसकी मदद से आएगा, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इन्होंने, चाइना वाइना किस भाषा में लिखा हुआ है, हम डाल देते भैया इसके अंदर यहाँ से ड्रॉप्स और बिना किसी देरी के जल्दी से अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो दोस्तों यहाँ पर स्मोक इफेक्ट भी काफ़ी सही है, म्यूजिक लाइट्स वगैरह भी सब कुछ सही है और गन थोड़ी बड़ी भी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली गन की तरफ। तो दोस्तों अगली गन जो है इस केस के अंदर वो है एक AK-47। ओ वाओ भाई साहब, मतलब मजा आ गया दोस्तों इस छोटी सी प्यारी सी कमाल की AK-47 गन को देख के, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मटेरियल जो है बहुत अच्छा है। मैं तो कहूँगा इसे खेलने के बजाय अगर आप शोपीस के लिए भी इस्तेमाल करते हो या किसी को गिफ्ट देते हो तो उसे बहुत अच्छा लगता है। पीछे कुछ इस तरह से लोड होती है दोस्तों और ट्रिगर आपको दबाना है, और इस बार हाथ में नहीं मारूंगा भैया मैं, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है कि इसकी गोली जो है ना भैया चोट लग सकती है उससे बिल्कुल पास से। तो गोलियां सेम है जो हमने छोटी वाली पिस्टल में डाली थी, इसमें भी सेम गोली हमको डालनी है दोस्तों। और जिस तरह से मैंने अभी गोली लगाई दोस्तों, इस तरह से आपको कभी भी गोली नहीं लगानी है। ये देखिए जिस तरह से मैं इसे ऊपर को करके गोली लगा रहा हूँ, ऐसे कभी भी गोली नहीं लगानी है। गलती से नीचे ट्रिगर दब गया दोस्तों तो सीधे आँख पे लगेगी गोली आपके, नीचे बैरल करके जो छेद है वो नीचे हमेशा करके आपको गोली लगानी है। और ये थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। ओह तो देखा आपने यार कितनी तेज़ रिबाउंड हुई गोली यार, मतलब तेज़ चल रही है भाई साहब बहुत ज़्यादा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली गन की तरफ। दोस्तों अगली जो गन है वो है एक बैटरी ऑपरेटेड प्रोजेक्शन एंड स्ट्राइक। तो ये बहुत कलरफुल सी लग रही है मुझे, मतलब ऐसे डिस्को विस्को लाइट टाइप, काफ़ी सारे फंक्शन तो लिखे हुए हैं इसमें। फिलहाल के लिए जल्दी से ओपन करते हैं। प्राइस इसका सिर्फ 220 रुपये है, तो बहुत ही सस्ती गन है दोस्तों, 3 साल के ऊपर के बच्चे इससे खेल सकते हैं। बाहर निकालते हैं देखते हैं, मतलब 200 रुपये के हिसाब से इसकी क्वालिटी कैसी है। टेप को क्या हो गया, कैसे निकलेगी ये, कटर कहाँ गया मेरा, औजार कहाँ गया फिलहाल। तो चलिए बाहर इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं, और ये बाहर आ चुकी है। ओके मतलब 200 रुपये के हिसाब से, मतलब 200 रुपये का ही है भैया। बाहर निकाल लेते हैं एक बार इस गन को, और बड़ी शाइन कर रही है, प्लास्टिक प्लास्टिक सब सही है, ठीक ठाक ही है यार। मतलब 200 रुपये में और क्या ही मिलेगा आपको, अंदर थर्माकोल्स की बॉल आपको दिखाई दे रही होगी। जब गन चलेगी तो ये घूमेगी राउंड राउंड, स्कोप डिटैच शायद नहीं होता है, ये सब जुड़ा हुआ है, दिखेगा विखेगा कुछ नहीं उससे। आगे ग्लोब है, लाइट है, ये मुझे देखना है, मतलब लाइट मतलब किस तरह से डिस्को लाइट का काम करेगी, मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्ट है उसे देखने में कि कैसे वो डिस्को लाइट की तरह काम करेगी। फिलहाल के लिए जल्दी से इसमें बैटरी लगती है, बैटरी डालेंगे।
तो दोस्तों ये था आज का चीपेस्ट गन्स कलेक्शन। जितनी भी गन्स यहाँ पे थी दोस्तों 200 से लेके 500 के बीच की थी, और उस हिसाब से मुझे सभी गन्स जो है वो ठीक ठाक लगी। और काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि यार कुछ चीपेस्ट मतलब गन्स का भी कुछ कलेक्शन लेके आओ, तो अभी फिलहाल ये चीपेस्ट वाला है। उसके बाद मैं नर्फ गन्स का भी एक कलेक्शन लेके आऊँगा जिसमें नर्फ वगैरह की गन्स होंगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाना। मैं कोशिश करूँगा कि अब जल्दी जल्दी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।